बोलो अच्छा मालिकुम कैसे हैं आप लोग। चाम कर दो अच्छा मालिकुम कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय मम्मा व्लॉग। ईद मुबारक बोलो सबको मेरी तरफ से, मेरी मम्मा की तरफ से ईद मुबारक। कब से हाथ पांव चला रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वीडियो रिकॉर्ड करी तो ये कैमरे में देख रहा है, लेकिन मैं इसको दिखा रही नहीं हूँ। बट इसका ध्यान जो है ना सारा वो मोबाइल के पड़े पर जोड़ेगा। थोड़े दिन की बात है, रुक जाओ थोड़ा सा, फिर देख लेना कैमरे में जितना देखना, थोड़े दिन की बात है। ओके जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड देन देखो ज़रा आज ईद है और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर है, कोई बात नहीं, आज का पूरा दिन है तो हमारी ईद तो ईद वाले दिन, हमारी मेहंदी भी ईद वाले दिन ही लगती है, तो इंशाल्लाह मैं लगा लूँगी। और चलते हैं, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग बनाते हैं ईद का, क्या हमारी ईद कैसी गुजरती है। चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो मेरी तो बस भैया अभी सुबह, क्योंकि मुझे इसने उठाया है। कल हम लोग यार बाहर से आने के बाद इतना थक गए थे ना, मेरे तो इतना सर में दर्द हो रहा था। मैं तो वहीं पर ही हो रहा था वैसे तो गाड़ी में पहले, फिर सही हो गया था, फिर जब मैं दोबारा गाड़ी में बैठी और आई, लाइक कितनी जब से ये पैदा हुआ ना तब से मेरा इतना बड़ा ट्रैवल नहीं हुआ, लाइक 1.5 घंटे की ड्राइव का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल। तो खैर, तो क्या बोली थी मैं, आई डोंट नो। तो खैर मैं बता रही थी कि हाँ चलो अभी हमारी सुबह हुई है, अब हम थोड़ी देर में रेडी वेडी होंगे, तैयार व्यार होंगे और ईद का देखते हैं कि आज हमारी ईद कैसी गुजरती है। तो आप लोग भी देखें हमारी ईद कैसी गुजरती है, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय। तो मैंने अपनी बेबी को लिटाल दिया था, उसके बाद मैं गई किचन में खाना बनाने की, तो मुझे खाना भी बनाना था, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए बेसन ऑलरेडी भुना हुआ रखा हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बनाना चाह रही थी बट कढ़ी पत्ता नहीं था तो नहीं किया था। तो खैर वो मैंने एक साइड पर दही डाल के वो कर लिया, और फिर यहाँ पर बस मैंने तेल गर्म करा, उसमें प्याज और लहसुन डाला और उसको थोड़ा सा वो करके कड़ी पत्ता डाल के मैंने उसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस डाले। और फिर मेरा मुन्ना भी उठ गया था तो उसके लिए भी दूध बना रही थी मैं, और मैं ये भी कर रही थी। और यहाँ मैंने उसके अंदर स्पाइसेस डाल के उसको भूना, और मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो खैर फिर वो मैंने बाद में डाल दिया था। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि दाल है, और वहाँ मैं बना रही हूँ अपना दलिया, मुन्ने को मैंने दूध पिला दिया था। और फिर यहाँ पे मैं अपना बना लेगी नाश्ता, मैंने कहा चलो नाश्ता बना के रख देती हूँ। और यहाँ मैं कढ़ी को भी जला रही थी क्योंकि इसको पकना भी ज़रूरी था। तो खैर मैंने बताया था ना कि लहसुन अदरक मैं बाद में डाल दिया था मैंने, तो और यहाँ पे मैंने निकाल मेरा दिया, फिर नाश्ता यहाँ मैंने रेडी डाल हो दिया। गया है और ठंडा भी हो गया है आप ये, तो मैं कर रही हूँ आप नाश्ता, और कढ़ी मेरी बन रही है और बेबी मेरा सो रहा है, जब उठेगा तो उसको रेडी करूँगी, फिर खुद भी रेडी होंगी। सभी नाश्ता करके चुकी हूँ, वहाँ आवाज़ें आ रही हैं। मेरा मुन्ना उठ गया आज, इतनी है तो घर पे ही अच्छे से सोता नहीं है, सिर्फ 1/2 घंटे सोता है, और बाहर कल गाड़ी में पूरा 1-1.5 घंटे तक सोते रही है। दिया और निकाल भी दिया था सारा जो भी है वो सब निकाल दिया। तो खैर मैं इसको मालिश कराती हूँ, शावर जलाती हूँ और फिर रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। माई बेबी इज रेडी फॉर ईद, आई विल सेंड यू अ फाइनल लुक जस्ट अ सेकंड। हे बेबी इज रेडी, ओ मेरा गुड्डा, मेरा राजू, मेरे बेबी। हाथ तो नीचे कर लो, मम्मा पिक्चर्स ले रही हैं, हाथ नीचे करो भैया। नीली मेरे बेबी के साइज के शूज़ मुझे मिल गए, जो मैंने मंगाए हुए हैं ना उतने बड़े बड़े हैं, अब ये इसके सही आ गए बिल्कुल सॉक्स के साथ, है ना। ओए मेरा पाला बेबी, पाला पाला मुन्ना, अच्छा लग रहा है। तो बस फिर मैंने अपने मुन्ने को रेडी करके सो गया था, वो फिर उसको दूध वूध पिला के सो गया था, फिर मैं यहाँ पे मैं रेडी होने लगी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखों में पानी जाने लगा, और फिर मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया था। खैर फिर भी मैंने कंटिन्यू कर लिया, एंड मैं गई लेंस वेंस लगा के आई, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने मेकअप सारा। जल्दी जल्दी बना रही है क्योंकि अगर मैं टाइम लगाती हूँ तो फिर वो टाइम लग जाता है ना ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे वीडियो बना ली। तो बस हमारी ईद यार ऐसे ही गुजरती है, अब क्या करें। तो अब आप लोगों की तरह तो नहीं गुजरती जैसे पाकिस्तान में, तो यार बस। तो खैर मैंने कहा तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा, और ईद है तो फिर आई शेडो तो मस्त है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत आई शेडो भी लगाया, जैसा मुझे आता है वैसा ही लगाया, बस थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सा, और बस मैं तैयार हो गई फिर। और अभी आपको मेरा फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा, बस 2-3 सेकंड आप रुक जाए। सो हियर इज माय फाइनल समय लुक हो गया एंड है देन रेडी, ज़्यादा जल्दी
जोर से नहीं बोल सकती, बड़ा मन्नत हो रहा है, तो बस लिप से लगाती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अंदर ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकती, मेरा मन्नत सो रहा है। सो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है, लाइक कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं पहनी, बस इयर रिंग्स हैं, गजरे हैं ये फेक वाले, और लिपस्टिक मैंने पिंक लगा लिया, मुझे समझ नहीं आया था कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, तो बस मैं हो गई हूँ अभी रेडी। एंड देन थोड़ा सा हम लोग करते हैं कुछ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया आज। ठीक है, ओके, चलें जी, बाय। हाउस में लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। सब पता नहीं वीडियो में बाल कैसे लग रहे हैं, तो मैंने अपने बालों को बांध लिया था क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे खुले हुए बाल, तो मैंने बांध लिया था, और मैंने नोज़ पिन नहीं पहनी थी तो मैंने ये पहन ली है, नोज़ पिन है ना, क्लोजअप से मेरा मेकअप देख सकते हैं और दूर से भी देख सकते हैं दोनों वजह से, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। एंड ईद मुबारक, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, थैंक यू। एंड थोड़ी देर में मिलते हैं, उसके बाद आई डोंट नो भी क्या करना है, बट हमारी ईद तो ऐसी गुजर जाती है यार, बस ऐसे तैयार होकर वीडियोज़ बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, उसके बाद डन, उसके बाद कुछ नहीं होता करने के लिए। आप पाकिस्तान वालों के लिए सही है यार, उन लोगों को छुट्टियाँ मिल जाती हैं, यहाँ पे छुट्टी भी नहीं मिलती ईद की, तो अब जब छुट्टी होगी तब हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बनाएंगे खाना वाना कुछ, अभी तो फ़िलहाल बस ये है कि मैं बताती हूँ थोड़ी देर में क्या करने वाली हूँ। सो आई एम बैक, मेरे कपड़े उतार दिए हैं क्योंकि कपड़े पहन के क्या करना है यार, मुझे जाना है किचन में खाना बनाने, मेरे को अपनी कड़ी रेडी करनी है, और मैंने अपने मुन्ने के भी कपड़े उतार दिए हैं, तस्वीरें वसीरे वीडियोज़ वगैरह बना के, और उसके भी कपड़े उतार के उसको भी नए कपड़े पहना दिए, फिर दूसरे पहना दिए क्योंकि गर्मी हो रही है ना, तो उसको गर्मी लग रही थी इसलिए, और उसको मैंने डाल दिया अभी झूले पे, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लगा के। तो अब हम चलते हैं किचन में और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कड़ी का लुक आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब मुझे इसके अंदर पकौड़े बना के डालने और भाफे में भगाड़ करना है, दिखाती हूँ जी। कड़ी रेडी है वैसे ऑलमोस्ट, इसको अब मैं दोबारा इसका चूल्हा खोल दूंगी और पकोड़े बना के इसके अंदर डालूंगी बस, और पकोड़ों के लिए मैंने दाल यहाँ पे भिगोई है, इसके पकोड़े बनाऊंगी, जिस टाइम मैं बेसन के पकोड़े नहीं बना रही इसके बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ आप देखिएगा। तो ऐसा होता है कि नेपाल में जो है वो पकौड़े जो बनते हैं कड़ी में वो दाल के बनते हैं, और वो भी ऑरेंज वाली दाल के, वाइट वाली दाल के भी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ये सुबह भिगो दी थी उठते ही, और फिर ये भीग गई थी, तो फिर बस मैंने इसको निकाला पीसा, एंड देन इसके अंदर प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाली और मिर्चें डाली और हरा धनिया डाला और ये सब कुछ मिक्स कर लिया, फिर मैंने ये सब कुछ डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाले कुछ स्पाइसेस, जिसके अंदर मैंने डाला सबसे पहले नमक, कुटावा धनिया, ज़ीरा एंड कुटी हुई मिर्चें, और फिर मेरा मुन्ना उठ गया था तो मुझे उसको भी देखना था, तो फिर बस फिर मैं गई उसको देखा, उसको सुवारा, फिर उसको सुला दिया, फिर यहाँ मैंने बनाए पकौड़े इसके, हाँ मैं उसको सुला कर आई थी तो 15 मिनट हो गए थे, हालांकि मैंने इसके अंदर सोडा भी डाला था लेकिन इतने ज़्यादा फूले ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, तो खैर वाइट वाले डाल के फूल जाते हैं काफ़ी, इसके नहीं फूले, तो खैर बस पकौड़े होते गए तो मैंने निकाल निकाल के उसके अंदर डाल दी गई, और फिर मैंने दूसरा बैच रेडी किया, दाल वैसे इनफ रही, अच्छी रही, और फिर बस ये हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर बघार लगा दिया, और बघार लगाने के लिए मैंने तेल गर्म किया, उसके अंदर प्याज डाली, प्याज को मैंने ब्राउन कर ला, बहुत टाइम लग गया था होने में लेकिन खैर हो गया फिर, और यहाँ पे मैंने कड़ी रखी और उसके अंदर मैंने प्याज के अंदर फिर मैंने डाला कड़ी पत्ता, एंड देन जीरा भी डाला था, खैर दिखा रही वो, और बस बघार लगा दिया, उसके अंदर हरा काट के डाल दिया, और देखिए जरा कितनी जल्दी मैंने कड़ी बना लिया, बहुत मजे की लग रही है यार, बस अब मैं खाना खाती हूँ तो बताती हूँ कैसी बनी है। हाय गाइस, सो आई एम बैक, वी डिड द स्पाइसी नूडल्स चैलेंज टुडे, आई विल अपलोड द वीडियो लेटर, but now we are eating cake because it was so spicy. Yeah, my cake is melt, already melt. Yours not, but little bit is good. No way. I think just a little bit and then put it in the freezer. तो फाइनली आज मैंने अपनी फ्रंट रनर स्पाइसी नूडल्स चैलेंज भी कर लिया, उसके बाद तो सारे बर्तनों के थे, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे बर्तनों को धोते हैं, फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धोए, डिश वाशर पॉट्स खत्म हो गए, मैंने ये बर्तन में सारे डिश वाशर में रख दी थी, खैर मुन्ना भी सो रहा था तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं धो देती हूँ, इट्स ओके, मेरे को इतना मसला नहीं होता धोने में, हाँ वो अलग बात है कि बाद में मेरे नाखून
कि खाल जो है वो साइड से हट जाती है, लेकिन आई डोंट माइंड टू वॉश डिशेस बट इट्स ओके। सो खैर मैंने सारे बर्तन धो के रख दिए थे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में मेरा मुन्ना भी उठ गया था, फिर हमने सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, तो फिर मैं गई वॉक करने के बस मैं गई लिए। हूँ बाहर और हम जा रहे हैं वॉक पे थोड़ा सा, क्योंकि ये घर में रो भी रहा था, पता नहीं क्या हुआ अचानक से रोने लग गया इतनी जोर जोर से, तो मैंने अभी भी हल्का हल्का रो रहा है। ओके ओके चलो तो मैं बाहर लेके आई हूँ उसको। हाय नोए, कम हियर, वी आर बैक अगेन, सो वी आर जस्ट सिटिंग राइट हियर हेलो हेलो, बाय बाय। हाय गाइस, सो आई एम बैक। मैं बाहर से आ गई थी, फिर इसको ले गई थी, अब जाके चुप है तो मैं बाथरूम में इसको लेके गई थी, कार सीट में बिठा के, क्योंकि वही था मेरे पास में। तो खैर मैं मुंह धोकर अभी आ गई हूँ, और हमारी ईद हो गई है ख़त्म और आप लोगों की हो गई है शुरू। तो चलो इन्जॉय करो अपनी ईद, मिलते हैं आपसे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय मैं कुछ करना चाह रही थी बट हुआ नहीं, चलो बाय।